हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाबू सिलाई सेंटर। आज हम एक सिंपल से नाइटी बनाना सीखेंगे जो कोई बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाएगी। तो देखिए, ये मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है और इसे मैं उल्टी तरफ से फोल्ड कर रही हूँ, मतलब जो हमारी उल्टी साइड है वो हम बाहर की तरफ रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए, हमारी सीधी साइड अंदर की तरफ है और उल्टी बाहर की तरफ। ऐसे ही हम अपने पूरे फैब्रिक को कर लेंगे। अब यहाँ से हम नाइटी की लंबाई लेंगे। आपकी नाइटी की लंबाई जितनी भी है आप उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा, क्योंकि कुछ तो सिलने में जाएगा और कुछ कॉटन की नाइटी हमेशा थोड़ी बहुत श्रिंक होती है, तो उसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ मैं 54+3 57 इंच ले रही हूँ, यानी कि 57 इंच। और इस तरीके से करके, ये देखिए, इस तरीके से करके हमें अपने फैब्रिक को बिछा लेना है। और ये जो एक्स्ट्रा बचेगा यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा फैब्रिक बिछ चुका है। ये हमारी क्लोज साइड है और ये ओपन साइड है जो कि 4 तह में आई है। अब देखिए, यहाँ पे एक नाइटी में हमें ज़्यादा नाप की ज़रूरत होती नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं नाप रहे हैं। ये जो सारा कपड़ा है इसे हम घेरे में लेंगे और देखिए यहाँ से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से नीचे 8 इंच पे ये हमारा मुड्डा होगा। अब यहाँ से भी 4 इंच पे निशान लगा के ये देखिए इस तरीके से इसे मिला देंगे और यहाँ से इसे थोड़ी गोलाई दे देंगे। ये गोलाई करीब 1 से 1.25 इंच के बीच की है। इसके अलावा हम और कोई गोलाई नहीं देंगे। जो आगे की छांट देते वो इसमें हम नहीं दे रहे, क्यों मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए, यहाँ से 2 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं और यहाँ से मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आपका गला जितना भी आपको तैयार चाहिए आप उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेके इसे निशान लगाएंगे। जैसे मुझे 6 इंच गला तैयार रखना है तो मैं यहाँ 8 इंच इसकी लंबाई ले रही हूँ और यहाँ से सीधी लाइन लगा लेंगे। अब ये जितना है उतना ही इस तरीके से नीचे लेके इसे भी एकदम सीधा मिला लेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगा के हम इसे गोलाई दे देंगे इस तरीके से। अब देखिए, इसे हम काट लेंगे। इस तरीके से हमें इसे काट लेना है और यहाँ बीच में से भी अलग कर देना है इस तरीके से। अब देखिए, ये जो कपड़ा बचा है इसे हमने इस तरीके से फोल्ड किया, इसे हमने लगभग 6 इंच फोल्ड किया है। अब देखिए, यहाँ पे हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं जो कि 2.5 इंच है, यहाँ से भी 2.5 इंच लेके, और हमारे गले की लंबाई हम 6 इंच लेंगे। ये देखिए, और इसे एक बॉक्स की शेप दे लेंगे और यहाँ से इसे गोलाई दे देंगे। देखिए, इसे हम काट लेंगे। मैंने थोड़ा बढ़ाते हुए काटा क्योंकि मुझे छोटा लग रहा था, तो मैंने इसे 6 के बजाय 6.5 इंच पे काट लिया। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये जो मेरे पास 2 इंच बचा, अगर आपके पास 2.5 इंच बचता है तो आप 2.5 इंच ही चारों तरफ गोलाई दे देंगे। अब मेरे पास 2 इंच बचा है तो मैं 2 इंच ही चारों तरफ इस तरीके से निशान लगाते हुए गोलाई दे दे रही हूँ। अब देखिए, इसे हमें काट लेना है। और ये ऊपर से भी इसे हम अलग कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारे पास ये 4 पीसेस आएंगे, 2 पीस ये और 2 पीस ये वाले। ये देखिए, टोटल हमारे 4 पीस आ जाएंगे। अब अपने बाजू काट रहे हैं, तो ये जो हमारा कपड़ा बचा था इसे हम इसी तरीके से 4 फोल्ड करेंगे और यहाँ 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से होते हुए एक सीधी लाइन लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से, और ये हमने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया यहाँ पे। अब देखिए, जो हमने नाइटी काटी थी इसका हम मुड्डा नाप के देखेंगे कितना आ रहा है। तो जैसे ये यहाँ पे 12 इंच आ रहा है, तो देखिए ये जो लाइन है यहाँ से हमें 1 इंच कम 11 इंच लेना है। तो ये 11 इंच मेरा पूरा आ गया, तो मैं इसे पूरा ले लूँगी।
यहाँ तक और इसे तिरछा मिलाएंगे। अब जो तिरछी लाइन हमारी जितनी भी आई उसका आधा करके, जैसे मेरा 10 का आधा 5 पे निशान लगा लिया और यहाँ से बाहर की तरफ आधा इंच निशान लगाते हुए मैंने गोलाई दे दी इस तरीके से। हम बाजू पे जो अगली छांट होती है, जो आगे की छांट हम देते हैं थोड़ा सा, वो नहीं छांट रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ क्यों, आप मेरी वीडियो पे बने रहे। अब देखिए इस तरीके से हम नापेंगे जब, तो ये 12 इंच आ जाएगा और इसे हम काट लेंगे। यहाँ से हल्की सी शेप देते हुए हम इसे थोड़ा सा तिरछा काट लेंगे और यहाँ पे ये मैं कट का निशान दे रही हूँ कि इतना इतना कपड़ा मैं इसे इस तरीके से फोल्ड करूँगी। और देखिए इस तरीके से नापने पे मेरी बाजू 5.5 इंच तैयार आ जाएगी। अब ये देखिए जो हमने गले की पट्टियाँ काटी थी, ये देखिए इसकी सीधी साइड जो है वो अंदर की तरफ है इस तरीके से, तो 2 पट्टी हमारी ये हो गई और 2 ये हो गई। तो इस पे हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो अब हमने सिलाई मशीन पे आ गए हैं। अब देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दबाते हुए हमें अपने पूरे गले पे सिलाई लगा लेनी है। ऐसी कोई बात जो मैं आपको नहीं समझा पा रही हूँ और वो बात आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगने पे प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए हम अपनी गले की पट्टी सिल लेंगे। अब यहाँ हम थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे। ये कट देखिए इस तरीके से आएंगे। अब इसे अंदर की तरफ पलट के इस तरीके से किनारी पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सेट करते हुए हमें पूरे गले पे सिलाई लगा लेनी है। इससे पहले भी मैंने एक नाइटी की वीडियो अपलोड की हुई है जो कि 2 मीटर में नाइटी बनी है, तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। 2 मीटर में वो भी काफ़ी आसानी से बनने वाली नाइटी है, तो आप चाहें तो एक बार ज़रूर जाके देखिए। अब देखिए इस तरीके से हम अपने गले की पट्टी को सिल लेंगे और इसी तरीके से जो दूसरा हमारा पीस था उसे भी हम सिल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों पीस सिल लिए। अब ये देखिए हमने अपनी नाइटी ली और यहाँ 6 इंच पे हम एक निशान लगा रहे हैं और इस निशान पे कट दे देंगे ताकि ये कट चारों तह पे आ जाए। अब देखिए एक पीस लेके इसका ये जो हमारा कट है यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे देखिए हमें प्लीट्स देनी है। ये प्लीट्स करीब आधा आधा इंच की होंगी, तो एक निशान से लेके दूसरे निशान तक ऐसे ही हमें प्लीट्स दे देनी है। ये देखिए पास से अब ये जो हमारा कट आ गया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हम अपनी आखिरी प्लीट देके इसे हटा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस पट्टी को रख के हम एक बार चेक करेंगे कि ये इसके बराबर है या नहीं, दोनों बराबर आने चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे नापेंगे। अब देखिए जैसे मेरा ये बड़ा आया, मेरी नाइटी बड़ी आई, तो यहाँ पे हम एक प्लीट यहाँ, एक यहाँ या फिर बीच में कहीं भी हमें प्लीट देके उसके बराबर कर देना है, इस पट्टी के बराबर। और अगर पट्टी हमारी बड़ी आती है तो हम यहाँ से एक प्लीट खोल देंगे। देखा जाए तो हमें कैसे भी करके इस पट्टी को और नाइटी को बराबर रखना है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे मैं डायरेक्ट पट्टी लगा रही हूँ और पट्टी लगाते हुए अपनी प्लीट्स को एडजस्ट करूँगी। देखिए किस तरीके से,
ये देखिए जो मेरी पहली दो प्लीट्स हैं उन्हें खोल के मैं इन प्लीट्स को थोड़ा बड़ा कर दूंगी। प्लीट्स मैंने वहीं दी हैं लेकिन उन प्लीट्स को मैंने थोड़ा बड़ा करके लिया है इस तरीके से। मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगी कि कोई भी बात जो मैं आपको नहीं समझा पा रही हूँ तो आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगने पे इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इसी तरह की वीडियोस लेके आती हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा पाऊँ और सिखा पाऊँ। तो देखिए यहाँ पे हम बीच में नाप के ये भी चेक कर रहे हैं कि ये कितना आ रहा है, बीच में से नाप नाप के हम देखते रहेंगे। अब देखिए ये जो लास्ट की दो प्लीट्स हैं ये भी मैं खोल के इन प्लीट्स का साइज़ बड़ा कर लूँगी। ये देखिए इन प्लीट्स को थोड़ा और बड़ा करके, अब ये देखिए जो लास्ट प्लीट है अगर ये हमारा कपड़ा पूरा आ गया तो हम इसे रहने देंगे, लेकिन मेरा नहीं आ रहा पूरा तो मैं यहाँ पर भी ये प्लीट दे दे रही हूँ। ये देखिए अब इस प्लीट देने से ये मेरा बराबर आ गया। अब देखिए ये वाली पट्टी हमें इस तरफ करना है इसका कपड़ा, ये पट्टी का देखिए ये पट्टी ऊपर की तरफ आ जाएगी और हमें किनारे पे एक सिलाई लगानी है। तो देखिए इस पट्टी के किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब मैं यहाँ पे एक और सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए मैंने दो सिलाई लगा ली है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी डबल सिलाई लगाएंगे, आप चाहे तो एक ही सिलाई रहने दे सकते हैं। अब ये देखिए जो स्टार्टिंग में हमने प्लीट्स पे सिलाई लगाई थी ये सिलाई मेरी दिख रही है तो मैं इसे खोल लूँगी, हो सकता है आपकी नहीं दिख रही हो तो आप रहने दीजिएगा, ये खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखिए इस तरीके से हमारा गला आ जाएगा और इसी तरीके से मैंने दूसरी पट्टी भी लगा ली है। अब अपने दोनों पीसेस को इस तरीके से रखते हुए ये देखिए सीधी साइड अंदर की तरफ और उल्टी साइड जो है वो बाहर की तरफ रहेंगी। इस तरीके से हम इनका तीरा जोड़ लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से दूसरा तीरा भी जोड़ लेंगे। अब हम अपने बाजू पे आते हैं, तो पहले बाजू की किनारी को हम सिल लेंगे। दोनों बाजू की किनारी को इसी तरीके से सिल लेंगे। अब देखिए बाजू को इस तरीके से करके यहाँ हम इसको एकदम बीच में यहाँ पे एक कट लगाएंगे, देखिए ये वाला निशान, और इसी तरीके से इस पे भी निशान लगा लेंगे। अब देखिए ये नाइटी हमारी सीधी साइड है और बाजू की भी ये सीधी साइड है, ये देखिए दोनों की सीधी साइड। अब इसे ऐसे कर लेंगे और ये जो हमने कट लगाया था उसे तीरे से मिलाएंगे और दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे। ये देखिए तीरे के दोनों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हम अपने दोनों बाजुओं को जोड़ लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों बाजुएं जोड़ ली हैं। अब यहाँ हम अपनी मोरी का निशान देंगे, तो मोरी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं,
मैं यहाँ 7 इंच रख रही हूँ। ये देखिए 7 इंच पे निशान लगा के, और मोड़े का निशान मैं यहाँ 9.5 इंच रख रही हूँ। आप इसे भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इन निशान को मिलाते हुए देखिए इस तरीके से हम शेप दे लेंगे, और नीचे आधा आधा इंच पकड़ के हम सिल लेंगे। पूरा नीचे तक हमें आधा आधा इंच पकड़ के ही सिलना है, देखिए इस तरीके से। और इसी तरीके से हम अपनी दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। अब देखिए इन्हीं निशानों पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए नीचे आते हुए आधा आधा इंच हम कपड़े को दबा रहे हैं। ये देखिए आधा आधा इंच दबाते हुए हम नीचे तक सिल लेंगे, और ऐसे ही दूसरी साइड भी हमें सिल लेना है। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर दिया। ये देखिए हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे की तरफ जाएंगे और ये अपनी मोरी को भी फोल्ड कर लेंगे। जो हमारे नाइटी का घेरा है उसे भी आप अपने अकॉर्डिंग फोल्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ 2-2 इंच करीब फोल्ड कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारी नाइटी इस तरीके से आ जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने बाजू की छांट आगे की क्यों नहीं दी। ये नाइटी हमारी दोनों तरफ से एक जैसी आएगी, तो इसे हम किसी भी साइड से पहन सकते हैं, तो इसीलिए हमें बाजू की छांट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस पर लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आप बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।